वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो के 10 ड्रामे आपको इस वीकेंड पर बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, ये आपको हमारा काउंटडाउन देखकर ही मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कच्चा धागा। कच्चा धागा हम टीवी सीरियल है। कच्चा धागा की कहानी चार नौजवानों अरुष्मा, माया हमदान और हरीब के गिर्द घूमती है। अरुष्मा और हमदान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। इस दौरान हमदान ने अरुष्मा से माजी का बदला लेने के लिए शादी के दिन अरुष्मा से शादी करने से इनकार कर दिया। जब अरुष्मा के वालिद ने उसे मुस्तर्द कर दिया और उसकी तोहीन की, उसने अपनी तोहीन का बदला लेने की खातिर अरुष्मा को प्यार करने का पोज दिया। हमदान की ये हरकत उसका दिल शिकस्ता कर देती है। हरीब और माया बहन भाई हैं जो हमदान और अरुष्मा के कज़न भी हैं। हरीब को अरुष्मा और माया हमदान के लिए महसूस होती है। दिल टूटने के बाद हरीब अरुष्मा को खुश रखने की कोशिश करता है, जबकि माया हमदान के फेल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करती है। कहानी आपस में मिले जुले जज्बात, मोहब्बत और सस्पेंस में बदल जाती है। नंबर 9, मेरे बन जाओ। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ ब्लैक मेलिंग पर मबनी है। ड्रामे की मरकजी किरदार अजमिया पिंजा हाशमी है, जिनको उनके साबिक मंगेतर फरदीन यानी असफर रहमान काफी अरसे से ब्लैक मेल कर रहे होते हैं। बिलाखिर उनकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के बाद ये मसला हमारे मुआशरे में अक्सर देखने को मिलता है, जब मर्द अपनी किसी दोस्त हत्या के मंगेतर या निकाह याफ्ता साथी की जबरदस्ती या जोर देकर ऐसी वीडियो या तस्वीर बना लेते हैं जिनको बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पंजाब के मुसनफा समेरा फजल ने भी इसी मौजू पर कलम उठाया और हिदायतकार अहमद कामरान ने इसे इंसाफ के साथ छोटी स्क्रीन पर पेश किया। इस ड्रामे की कहानी तो अक्सर को पता ही है, जिसमें अजमिया के बचपन के दोस्त जकी जाहिद अहमद सब कुछ जानते हुए और मौशरे की परवाह ना करते हुए उन्हें अपना लेते हैं। लेकिन हमारे मौशरे में इस तरह की ब्लैकमेलिंग की शिकार लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जो सारी उम्र एक पछतावे के साथ गुजार देती हैं और कुछ मामलों में खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाने से दरेग नहीं करती। नंबर 8, प्यारी मोना। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना मोटापे के गिर्द घूमती कहानी है। कहानी मोना के गिर्द घूमती है। मोना एक मोटी मगर समझदार, बाशऊर और हसास लड़की है, जो अपने फैसले भी खुद करने की सलाहियत रखती है, अपने भी आने वाली मुश्किलात को सहने की हिम्मत भी रखती है। जबकि उसकी बहन समिया उसका तजाद है। वो सारी उम्र माँ की खातिर, उसके बाद शौहर की खातिर अपने हर तरह के जज्बे और ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। बतौरे बेटी और बतौरे बीवी वो एक आइडियल लड़की है, लेकिन सबके लिए अच्छा बनने में उसकी जात की इतनी नफी हो जाती है कि वो डिप्रेशन से मर जाती है। उसके वालिद और बहन मोना को अंदाजा था कि समिया को स्लिम, स्मार्ट, आइडियल बीवी और बेटी बनने के लिए क्या क्या कुर्बानी देना पड़ रही है। उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासर होते होते यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो जिंदगी से हार जाती है। नंबर 7, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही बिलाल अशरफ और माया अली का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। अगर हम वक्त का साथ ना दें तो वक्त भी हमारा साथ छोड़ देता है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए, जिंदगी को वक्त की तरह आगे बढ़ा देना चाहिए। तालीम अगर शौर दे रही है तो डिग्री पे ही फोकस क्यों किया जा रहा है? जरूरत नहीं है तो घर की लड़की नौकरी क्यों नहीं कर सकती? बाहर से आई कजन अगर भाई के साथ पैंट पहनकर जा सकती है तो बहन के लिए बुर्का क्यों जरूरी है? बेटा पसंद की शादी कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? बेटा जिंदगी जी सकता है, बेटी क्यों नहीं जी सकती? फैसला ही है, गलत भी हो सकता है। घर का मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? इजहार राय का हक मर्द के पास है तो औरत के पास क्यों नहीं है? एक ही समाज में रहते हुए एक ही घर के अंदर अपने ही बेटे और बेटी के लिए अलग अलग उसूल होने से मौशा किस तरह मनफी राह पर निकल चलता है? इसके नफसियाती और समाजी पहलू क्या क्या होते हैं और किस किस पे होते हैं? इंसान का जाहिर और बातिन जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है? ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रिवायत परस्त खानदान की कहानी है, जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रवायात पे कारबंद रहता है। नंबर 6, दागे दिल। जल बैंड से शोहरत हासिल करने वाले गुलकार और अदाकार गौहर मुमताज एक बार फिर ड्रामा सीरियल दागे दिल के साथ टीवी स्क्रीन पर वापस आए। ड्रामा सीरियल में गौहर एक सहाफी और एंकर पर्सन का किरदार निभा रहे हैं, जो माशरे की बुराइयों को बेनकाब करता है। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे सहाफी और एंकर पर्सन के गिर्द घूमती है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पर छापे मारता है,
जगह इदारों के काले धंधे दुनिया के सामने लाता है, खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों से पर्दा उठ जाता है। अलगर्ज कहा जाता है कि उनका ये किरदार सहाफी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन से मुतासिर होकर लिखा गया है। इस ड्रामे से गौहर मुमताज की 4 साल बाद टीवी स्क्रीन पर वापसी हो रही है। इससे कबल वो ड्रामा सीरियल मेरे हमदम में नजर आए। उनके मदाह जग गौहर मुमताज को कुबरा खान के साथ फिल्म में भी देख सकेंगे। नंबर 5, दिल पे जख्म खाए हैं। दिल पे जख्म खाए हैं में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन शफक और सबाहत की दास्तान है, जिनकी तकदीर राजों, अजायम और बका की गर्दिश का शिकार है। शफक एक नरम मिजाज और पुरजम खातून है जो यतीम होने के बावजूद अपनी खुद गर्ज माँ और बहन भाइयों की किफालत के लिए जदोजहद करती है। वो अपनी मौशी बदहाली पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशां है और साबित कदमी से कामयाबी की जानिब रवां तवां है, जबकि सबाहत एक खातून बॉस है जो कारोबारी हलकों में अपने कामयाब मनसूबाबंदी के हवाले से जानी मानी जाती है। दुनिया की नजरों के सामने उसका सब कुछ है, माँ सवाए उस शाज के जिसके अफशा होने से उसकी बनी बनाई साख तबाह हो सकती है। ऐसे में जब शफक सबाहत के दफ्तर में मुलाजमत करती है और सबाहत को उसके हालात के बारे में मालूम होता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि यही वो मौका है जब सबाहत अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकती है। वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए एक जामे मनसूबाबंदी करती है। नंबर 4, निजात। ड्रामा सीरियल निजात एक मोहब्बत का ड्रामा है। ड्रामा सीरियल निजात में जुनेद खान के किरदार को इंतहाई गुस्से और जज्बाती शख्स के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसे कोई भी फैसला बहुत जल्द लेने की आदत है। ड्रामा सीरियल निजात की कास्ट में जुनेद खान का किरदार हाजरा यामिन के किरदार से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला दिखाया गया है और इससे बिलावजह लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हिना अल्ताफ का किरदार जुनेद खान के किरदार से बेहद प्यार करता है, लेकिन जुनेद खान का किरदार उन्हें परेशान भी नहीं करता। नंबर 3, फितना। फितना ड्रामा एक फैमिली ड्रामा है जिसमें पेचीदा मोहब्बत की कहानियों के गर्द मुनफरिद कहानी है। ये ड्रामा मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, खयानत और जज्बात के हंगामे के बारे में है। ये दो करीबी दोस्तों हुदा और वर्दा की कहानी है। फितना ड्रामा में बहुत से किरदार हैं जो कहानी में पेचीदगी पैदा करेंगे। हुदा का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से है, जबकि वर्दा एक अमीर लड़की है जिसे जो चाहिए हो वो हासिल कर लेती है। वो बचपन से ही दोस्त हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हसद जन्म लेता है और उनका रिश्ता खराब कर देता है। इसलिए ये ड्रामा देखते रहिए कि कहानी कैसे सामने आती है। नंबर 2, झोंक सरकार। झोंक सरकार ड्रामा मर्द और औरत की कहानी नहीं है, अमीर और गरीब के निज़ाम पे बात हुई है। वो निज़ाम जो गरीब को खा रहा है और वो निज़ाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। अरसलान का किरदार एक तरफ पुलिस के निज़ाम में मौजूद मुश्किलात को दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इस निज़ाम की खामियां भी देखी जा सकती हैं। ड्रामे की कहानी बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन हकीकी सूरत हाल को मौजू बनाया गया है, जैसा कि हम शहर में रहने वालों को नहीं पता चलता कि देहातों के अंदर क्या सूरत हाल है। कानून मौजूद है मगर ला कानूनियत अपनी जगह मजबूत है। गरीब जोरावर के सामने हमेशा की तरह मजबूर और बेबस है। नंबर 1, तेरे बिन। अगर आपने अभी तक तेरे बिन नहीं देखा तो जरूर देखिए। ड्रामा तेरे बिन की पहली किस्त 28 दिसंबर 2022 को नशर हुई थी, जिसके बाद देखते ही देखते इसने दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। 6 माह तक हफ्ते में 2 बार नशर होने वाले ड्रामे की आखिरी किस्त 6 जुलाई 2023 को नशर की गई। 58 एक साथ पर मुश्तमिल ड्रामे की मरकजी कहानी वहाज अली, मुर्तसिम और यमुना जैदी यानी मीरब के किरदारों के गिर्द घूमती है, जिन्होंने शादीशुदा जोड़े का किरदार अदा किया है। ताहम उनके दरमियान झगड़ों, गलत फहमियों, मोहब्बत और तनाव को दिखाया गया है। ड्रामे में बुशरा अंसारी, हीरा सोमरो, सबीना फारूक, फजीला काजी और फरहान अली आगा समेत देगर ने किरदार अदा किया है। ड्रामे की आखिरी किस्त नशर होने के बाद प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी ने ट्विटर पर वहाज अली यानी मीरत के केक काटने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तेरे बिन का सफर इख्तिताम को पहुंचा। इस ड्रामे ने ऐसा संग मिल तय किया जो पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस नाकाबिले यकीन सफर और सामईन की भरपूर फरमाइश पर तेरे बिन सीजन 2 का ऐलान करता हूँ। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।